नमस्कार दोस्तों, मैथ की शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। इसमें क्या होता है कि जो भी संख्याएं हर में होती है उसी से गुणा कर दिया जाता है, और जो रैशनल में होता है उसे ऊपर करके गुणा कर दिया जाता है, जिससे वो संख्या नीचे रैशनल में न रह सके। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, 5/3। इसको यहाँ पे 5/√3, तो यहाँ पे √3 से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं दोनों नीचे और ऊपर। तो ऊपर क्या हो जाता है, 5√3, और नीचे 3√3 × √3 3 हो जाता है। इस प्रकार ये मेरा आंसर हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1/√7। इसमें जो नीचे है √1 √7, उसी से ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर बचता है √7/√7 × √7 = 7। इस प्रकार आप इसे आंसर दे सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 1/2+√3। इसे जो नीचे है उसी का कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, जैसे 1/2 हमें एक फॉर्मूला आता है, a+b a-b। इसे हम पहले यहाँ देख लेते हैं, a-b a+b, तो हो जाता है a² - b²। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, ऊपर 2 - √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, नीचे a-b a+b दोनों का प्रोडक्ट a² - b² होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 + √3 2 - √3, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, लेकिन बीच में माइनस है, माइनस। इस तरह से 2 - √3/1, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1/√5 - 2। तो यहाँ पे √5 - 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उसके कंजुगेट से, यानी यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, ऊपर जितना जिससे गुना करेंगे नीचे भी उसी से गुना करेंगे, और फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा √5 + √2। और ये फिर यहाँ पे जिस प्रकार हम आपको बता चुके हैं a-b a+b a² - b² होता है, उसी प्रकार यहाँ भी √5 × √5 गुना होगा तो 5 हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 × 2 = 4। इस प्रकार √5 + 2 1 बचेगा, तो आप √5 + 2 आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1/√7 - √6। इसको कंजुगेट से गुना करना है, यानी जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस, प्लस रहेगा वहाँ माइनस, गुना करते हैं, फिर वही फॉर्मूला, a-b a+b a² - b² तो यहाँ पे √7 + 6, ये 1 की मल्टीप्लाई करें यही हो गया, नीचे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, 7 - 6, 7 + √6 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच यहाँ घट कर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 2/√3 + √2। फिर इसको हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, है ना। अच्छा, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2√3 - √2, नीचे फिर वही फल, a-b a+b a² - b² उसी प्रकार यहाँ पे √3 + 2 √3 - 2, तो हो जाएगा 3a² - b² एंड 2, एंड इस प्रकार 2 × √3 - √2। आप इसे खोल भी सकते हैं, 2√3 - 2√2, ये भी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1/4 + √15। इसी को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोग को? देखिए वन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस रूट 15, और फिर ये माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, 444, 4 × 4 16, माइनस बी जो माइनस होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 15 हो जाएगा। इस प्रकार 4 माइनस रूट 15 बाई 1, तो भी आप 4 माइनस रूट 15 आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, √5 + 1 बाय √5 - 1, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √5। देखिए कंजुगेट इसका देखते हैं जो नीचे वाला होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों एक ही चीज़ है, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जो ये है सो ये है, और यहाँ पे फिर वही फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 5 - 1। इससे देखिए आप इसको तोड़ सकते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे ए की जगह पर 5 है और बी की जगह पर 1, तो ए का स्क्वायर यानी 5, बी का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 √5 × 1 बाय 5 में 1 जाएगा, 5 × 1 = 4, यानी आपको 5 + 6 + 2√5 बाय 4। आप इसे काट भी सकते हैं, देखिए 2 इससे कॉमा ले लेंगे, 3 + √5, और ये 2 से इसमें कॉमा लिए थे तो यहाँ 2 बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये रूट में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 + √2, 2 - √2। देखिए इसमें भी हम 2 + √2 बाय 2 + √2, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस किए, उसी प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसके साथ ये इसके साथ 1 के साथ दोनों गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + √2 हो जाएगा, प्लस ये 2 इसके साथ तो 2 √2, और ये 2 इसके साथ तो √2 × 2 = 2 हो जाता है ऐसे, और फिर ये माइनस भी ये प्लस भी करेंगे तो 4 - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में है तो √2 × √2 = 2 होता है। अच्छा आगे देखते हैं, अब देखिए 2 + 2 = 4, प्लस यहाँ 1 है तो 3 √2 हो जाएगा, भाई यहाँ 2 बचेगा, आप यहाँ भी 2 कॉमा ले सकते हैं, नहीं लिया आएगा तो आप डायरेक्ट यही आंसर दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट, 5 + 3 = 2 / -3, इसको फिर कंजुगेट से गुणा करेंगे, 2 + √3, 2 + √3। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 × देखिए 2 + √3 दोनों से, फिर ये √3, 2 + √3 दोनों से है ना, फिर ये a - b a + b होगा तो 2 × 2 = 4 - √3 × √3 = 3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से नीचे लिखते हैं, देखिए 5 × 2 = 10 प्लस 5 √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3 × 2 यानी 2 √3, √3 × √3 = 3, नीचे में 1 बचेगा, 4 - 3 = 1, तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 10 + 3 = 13, ये 5 × 2 = 5, 5 × 2 = 7 √3, और नीचे 1, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, एक बार आप पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थैंक यू।